हाँ जी, तो दोस्तों बस गाड़ी पहुंच गई है अपनी, बैठते हैं और आपको अराक सिटी का व्यू कराते हैं। ओके जी। हाँ जी, तो दोस्तों अभी बस निकले हैं हम, गाड़ी में अपनी स्नैप कराई है और हम जा रहे हैं। मेरे साथ असरार भाई मौजूद हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, एंड सकलैन भाई आप देख सकते हैं ये भी मौजूद हैं और ड्राइवर भी। बाकी यार हमारे साथ इसरार भी मौजूद हैं, बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी एडमिशन अराक यूनिवर्सिटी के अंदर लिया हुआ है, तो वो भी बिल्कुल उनके साथ हैं, आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं आज भी। तो ये हैं जी हमारे इसरार भाई। भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एंड यार अभी बस हेयर कटिंग कराने के लिए भाई लोग साथ चल पड़े, और दोस्त भी आ रहे हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। यहाँ पे चिल लाइफ है, बेफिक्र हो के बंदा आज़ादी से घूम सकता है, कोई टेंशन नहीं है। सही बात। और पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट और सारा कुछ यहाँ पे होता है, बेफिक्र हो के बंदा पाकिस्तानी यहाँ पे घूम सकता है। और इंडिया से ये लोग आए हैं तो ये भी ईजी हैं, कम्फर्टेबल। आप देख रहे हैं ख्याबों ने मलक, अराक सिटी इन ईरान, काफी खूबसूरत यार सिटी है, बेहतरीन यहाँ पे व्यू मिलता है आपको। हाँ जी, तो यार अभी हम चल फिर रहे हैं, अभी मलक स्ट्रीट के अंदर देख रहे हैं, और दोस्त का भी यार मैसेज आया है कि वो भी पहुंच चुके हैं, अभी टैक्सी से उतरने वाले हैं, तो आपको मिलवाते हैं। बाकी मैंने अभी पास ही गेम सेंटर देखा है, इसका विजिट मैं आपको कराता हूँ, मेरी साइड पे है,
और चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। बाकी दोस्त आगे उनसे मुलाकात करवाते हैं। आ जाओ भाई। वालेकुम। जानी सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मर ले आए हो यहाँ पे। बिल्कुल बहुत शुक्रिया जानी, हम बहुत थैंक यू जानी, बहुत थैंक यू। बड़े जलील खार हुए हैं ना, सामान लेके आए हैं। वाह वाह, ये सामान है यार। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग गए थे वकास और अब्दुल्ला कोम गए हुए थे, और अभी वहाँ से डायरेक्ट ये अराक सिटी के अंदर पहुँचे हैं। फिर हम हॉस्टल जाएंगे, आपको पहले गेम सेंटर विजिट कराते हैं इनको। बिल्कुल ऐसे। और वकास कहाँ है? वो वकास वहाँ से पैसे निकलवा के दे रहा है। वो एटीएम यूज करके वो आएगा, वो भी आ रहा है। हाँ तो ये वकास भाई अभी पहुँच गए हैं, कोम से आ रहे हैं भाई। पूरी कैसे हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है यार। बाकी थके थके से लग रहे हो, बड़ा सफर करके आ रहे हो। जाहिर इतना बड़ा दूर जल थक ही जाता यार। बिल्कुल बिल्कुल ओके हो गया। बाकी आपकी आवाज भी नहीं निकल रही है। हाँ यार, तो गेम सेंटर आपको दिखाते हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप भी चलो देखो विजिट करते हैं किस तरह से अंदर इनका व्यू है और क्या सिस्टम है। ये जी गेम सेंटर। परमिशन लिए ताकि हम अंदर रिकॉर्ड कर सकें। सेटअप बड़ा प्यारा है, आप ये दिखा सकते हैं। ये स्पोर्ट्स कार के लिए, स्पोर्ट्स कार गेम जो होती है, ये भी खाने पीने के लिए आपको फ्रिज भी यहाँ पर मिल जाता है। और ये दिखा कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर कौन कौन सी चलती हैं। आज आप भी अभी विजिट करो। ये भी फुटबॉल गेम हो रही है यहाँ पर, फीफा वाली प्ले स्टेशन 5 में गेम है। प्ले स्टेशन दिखाया यार उनको आज। हाँ यार, तो गेम सेंटर से अभी बाहर निकले हैं, तो अभी पहुंच रहे हैं दोस्तों के पास। जो मेरे पास अब्दुल्ला मौजूद है जनाब, उसने फ़ोन अपना एक्सचेंज करवाना था, मतलब उसने आईफोन यहाँ पे पहले लिया है, तो अभी उसको चेंज कराने का उसका प्रोग्राम है। आईफोन 11 मेरे ख्याल में उसने लिया है, तो अभी पता नहीं क्या प्रोग्राम है। भाई से पूछते हैं क्या कहता है। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? ये मैंने सेल लिया था 11 प्रो, लेकिन ये सेल मुझे पसंद नहीं आया। अब हमारा मूड है कि 12 उठा लें या 12 प्रो उठा लें, देखें हम क्या बनता है। ट्राई में है कि 12 या 12 प्रो उठाएं। आपको फिर पता है अमीर लोग हैं हम, छोटे मोटे सेल पसंद नहीं आते। बिल्कुल जी, अभी ये आईफोन 12 उठाने के इरादे में है, और इंशाल्लाह बस उठा लेंगे भाई। अभी ले रहे हो? बस दुआ करें इंशाल्लाह ले ही लें। हाँ बिल्कुल, अभी लेने ही आए हुए हैं ये, लेकिन इंशाल्लाह लेके जाएंगे, छोड़ते तो नहीं है। जब भी आया सकलैन भाई साथ हम सेल लेके गए हैं, दुआ करें अभी लेके जाएं। Thank you.
आपको बताना था हमारे यहाँ जैसे 125 बाइक होती है होंडा, तो यहाँ पे भी वही बाइक होती है सेम, और इससे छोटी कोई बाइक नहीं होती, और इससे छोटी आपको यहाँ पे स्कूटी मिल जाती है, और ईरान में ऑलमोस्ट स्कूटीज ही ज़्यादा चलती हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पर। और यार यहाँ पे पार्क में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे सेंटर पार्क है ख्याबोन मलिक की, और मेरे पीछे देख सकते हो इस तरह की कैलीग्राफी आपको ईरान में बहुत जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि यार ये लोग मतलब डेकोरेशन को ज़्यादा फोकस करते हैं, हर सिटी को सजा के रखा हुआ है, सिटी अराक हो चाहे इस्फहान हो तेहरान हो जो भी सिटी हो उसके अंदर आपको इस तरह के खूबसूरत मनाजर देखने को मिलेंगे। अगर आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल मेरे पीछे चश्मा है और इस तरह का फवारा बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यार दोस्तों को हम मिलते हैं, वो बैठे हैं इंतज़ार में वहाँ पे आईफोन शॉप पे, वहाँ पे चलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या एक्सचेंज किया है, वो फ़ोन दरअसल चेंज करना चाह रहे हैं, दोस्त है मेरा अब्दुल्ला, आप उनको जानते हैं पिछली वीडियो में आपने देखा है, लैया से बिलोंग करते हैं। ओके यार दोस्त मेरे बल्कि वो यहीं पर पहुँच गए हैं, लोकेशन हमने सेंड कर दी थी, वो भी यहीं पार्क में आ गए हैं, तो पूछते हैं इनसे हाल लेते हैं भाई आईफोन का क्या बना है। आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी डील हो गई उनके साथ। सही, उन्होंने कहा कि आप हमें $70 देना और सेल आप उठा लो, $70 भी देना है और ये वाला सेल भी देना साथ। अच्छा आपने आईफोन 11 दे के, iPhone 11 प्रो दे के जस्ट 11 ले रहे हैं, वो भी पिन पैक, वो भी पिन पैक। हाँ जी, लेकिन 70 ऊपर क्यों दे रहे हो? 70 यार ये वाला जरा यूज में है ना। अच्छा वो हमें बिल्कुल पिन पैक मिलेगा। गुड हो गया, लव यू, थैंक यू जानते हैं। बाकी यार अभी चलते हैं स्नैप कराते हैं। हाँ यार चलो, बहुत थक गए यार, बिल्कुल स्नैप कराते हैं यार और हाँ पहुंचते हैं वापस हॉस्टल, ये तो बहुत थके हुए हैं, मैं खिला भी दो ना यार, ये कम से आया अभी खाने के लिए यार, के लिए यार कुछ बचा भी नहीं है, सारी मार्केट बंद है पता है आपको, बहुत अफसोस है मुसनसर यार, आप ऐसे तो नहीं, आप बहुत लेट पहुंचे हो, आप लेट पहुंचे हो। अच्छा यार खैर है, चलो घर जाए कुछ खाते हैं। ओके ओके यार, असरार स्नैप बुक हुई? हाँ कर रहा हूँ भाई, एक मिनट, स्नैप बुक कर यार, हमने चलना है, थके पड़े हैं यार काफी, सर बहुत थक गए यार, सफर पे गए तुम्हारे सामने फिर यहाँ पे आके रोला करना पड़ गया इनके साथ, कसम से बड़े चूतिया लोग हैं ईरानी यार, बंदा क्या कहे इनको क्यों क्या हुआ भाई यार, देख लो अब हमें $30 का इन्होंने नुकसान दे रहे हैं यार, जस्ट 3 दिन के अंदर भाई, इस तुमान की स्नैप अब उस दिन की दी थी जिस तरह शाम को इधर थी 36 की, फिर भाईयो ये है ईरान में स्नैप, जो हमारे जैसे इंडिया और पाकिस्तान में होती है उबर, ऐसी ही होती है स्नैप ऐप, इस पे हम कार बुक कर सकते हैं, लोकेशन देनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके हो गया, थैंक यू जी, बुक हो गई अपनी? हाँ अपनी बुक हो गई है, देखिए गाड़ी का नंबर है 638, यही गाड़ी आएगी, यही है। हाँ ये तो स्नैप आ गई हमारी, बस अब निकलते हैं बैठते हैं। ये देखें भाई जान, एक स्नैप में 5 बंदे बैठे हुए हैं, इट्स अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ईरान। ये देखें भाई, ये देखें यार, समझ नहीं आ रही, कार का एक टायर मुस्तनसर भाई की तरफ है और दूसरा टायर ऊपर उठा हुआ है, समझ नहीं आ रही हुआ क्या बड़ा है। तू कैसे, तू तो इसी बैठा है ना? मैं तो बहुत इजी बैठा हूँ। ओके हो गया, मतलब ड्राइवर बहुत टेंशन बैठा है, गुड हो गया ड्राइवर भाई। हाँ जी, तो बस यार अभी पहुंच गए हैं अपने हॉस्टल, सिटी का विज़िट कर लिया, अभी नाइट को हमारा हॉस्टल कुछ इस तरह से दिखता है, और ये जी स्नैप हमारी पहुंच चुकी है, स्नैप ऊबर की तरह है बेसिकली, जैसे पाकिस्तान में ऊबर आप यूज़ करते हो यहाँ पे स्नैप होती है।